नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। हाथरस का हादसा देश भर को एक गम और एक नसीहत दोनों दे गया। हाथरस में 120 से ज्यादा मासूमों की जाने केवल एक बाबा की वजह से चली गई। प्रशासन की गलती, बद इंतजामी सब पर बात हो रही है, लेकिन इस बाबा की बात सबसे ज्यादा हो रही है जिसके चरणों की धूल पाने के लिए भीड़ बेकाबू हुई और लाशें ढेर में बदल गई। फिलहाल नारायण साकार हरि फरार है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने भक्तों की मौत की वजह बनकर वही बाबा फरार है जो खुद को ब्रह्मांड का महानायक बताता था। हालांकि बात जब बाबा की हो रही है तो भक्तों की बात करनी भी जरूरी है। क्या आपको पता है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायियों में केवल गाँव के लोग ही नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तियां भी शामिल है। जी हाँ, जैसे जैसे बाबा पर और खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या कर्मचारी, क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या मंत्री, सब के सब बाबा के दरबारी रह चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए क्या है बाबा का राजनीति से नाता। हाथरस का हादसा जहां देश भर को एक गम दे गया, वहीं अब राजनीति का एक और काला चेहरा भी सामने लेकर आ रहा है। जी हाँ, जिस बाबा की चर्चा देश भर में हो रही है उस बाबा का पॉलिटिकल रसूख जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि समर्थकों के हुजूम ने ही भोले बाबा का रुतबा नहीं बढ़ाया बल्कि नेता, अफसर और कर्मचारी भी उनके दरबारी बनते रहे हैं। मंगलवार को हाथरस में हुए कार्यक्रम के आयोजकों की सूची में कई सरकारी कर्मचारियों के नाम हैं। बसपा सरकार में तो बाबा को पुलिस का स्कॉट मिला हुआ था। पिछले साल एक कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उसमें वो बाबा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ की तारीफ के साथ चमत्कारों का संयोग बताते नजर आ रहे हैं। भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव का सोशल मीडिया पर पेज भी नारायण साकार हरि के दरबार में मत्था टेकने की तस्वीरों से गुलजार है। यहां तक कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इससे अछूते नहीं रहे। एक बार अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में गए थे। अखिलेश यादव का एक एक्सपोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतना ही नहीं, बाबा की जय जयकार करते हुए अखिलेश यादव के वीडियो भी वायरल हो रहा है। सुनिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महादेवी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। केवल अखिलेश यादव ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बाबा की कम भक्त नहीं थी। बसपा सरकार में तो बाबा की सुरक्षा में पुलिस की तैनाती तक की गई थी। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार भी बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल हाथरस हादसे को करीब 45 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फरार बाबा साकार हरि अब तक सामने नहीं आया है। ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई सवाल और ना ही ऐसी कोई हलचल ही दिख रही है जिसे लग सके कि बाबा को पुलिस तलाशना चाह रही है। हाथरस भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत हुई है, लेकिन FIR में इस बाबा का नाम तक नहीं है। SOG ने कल रात 12 बजे लोगों से पूछताछ की। ये कई बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो और भी आपको हैरान कर देने वाली है। कहा जा रहा है कि बाबा को उनका वोट बैंक बचा रहा है। जी हाँ, हादसे के इतने घंटे बाद भी बाबा की गिरफ्तारी ना होना इस बात का संकेत देता है कि कोई तो है जो बाबा को बचा रहा है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जाटो समाज से ताल्लुक रखता है। गरीब तबकों में उसका ज्यादा भक्त है। ST, SC और OBC वर्ग में उसकी गहरी पैठ है। एटा, आगरा, मैनपुरी में खासा प्रभाव है। शाहजहांपुर और हाथरस में भी प्रभाव है। UP, MP, राजस्थान में उसके काफी अनुयायी हैं। वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बाबा की पैठ है। हर सत्संग में लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में बाबा की गिरफ्तारी कई पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि CM योगी ने कल हाथरस दौरे के बाद जो आश्वासन दिया है उसके मुताबिक दोषी को सजा दी जाएगी। अब देखा जाए तो ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना सीधे तरीके से इसे दिखाया जा रहा है। दरअसल बड़े बड़े माफियाओं तक जब पुलिस आसानी से पहुंच जाती है तो वो उसी पुलिस को चकमा देकर एक बाबा गायब हो जाए, ये बड़ी बात है। कैसे गायब हो गए? पुलिस का बाबा को ना खोज पाना बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।